नमस्कार प्रणाम। मैं राकेश शुक्ला 583 आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दृश्य वाले से हो गया प्यार, थंबनेल के माध्यम से आप सभी को पता लग ही गया, वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं, और आपको भी पता चल गया होगा रिक्शा वाले से कैसे प्यार हो गया। ब्लॉक के लास्ट तक मैं बताता हूँ, आप सभी ब्लॉक के को लास्ट तक देखिए, ब्लॉक को स्क्रिप मत किया करें, जो भी देखें वीडियो को पूरा देखें, वरना मत देखें चलेगा। चलिए, ब्लॉक अच्छा लगे तो उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सलाह दीजिएगा कि ब्लॉक कैसा लगा। और हर शाम से करता हूँ आप सभी का प्रमोशन 7:30 बजे से, तो प्रमोशन में भी आप सभी जुड़े और एक दूसरे का सहयोग करें। मैं यहाँ से निकलता हूँ, देखिए सादरा मार्केट, शाम का टाइम है, सादरा मार्केट में घर जा रहा था, ऑटो में बैठा था, ऑटो में बैठे बैटरी रिक्शा से जाता हूँ, ऑटो से नहीं जाता हूँ, बैटरी रिक्शा से जा रहा था। मैंने सोचा एक छोटा सा बनाता हूँ क्लिप, जो कि साड़ी का मार्केट है सादरा, छोटी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, छोटी मोटी दुकानें नहीं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जिसको भी लहंगा चुनरी साड़ी ये सामान लेना है, एक बार आकर के सादरा मार्केट जरूर देखें आप। और यहाँ का दृश्य मैं दिखाता हूँ, मेरे रोड का यहाँ पे लगा हुआ था जाम, इसी रोड पर मैं भी चल रहा था, और यहीं का थोड़ा सा मैंने उठा लिया है क्लिप को, क्लिप को आप सभी देखिएगा और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद अपने भाई को दीजिएगा। हर शाम 7:30 बजे लाइव में जुड़ा करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें और अपना सहयोग अपने भाई को दें। और मिलाता हूं मैं उस रिक्शे वाले से, जिस रिक्शे वाले के ऊपर बना ये वीडियो, कितने परिश्रम से पैसा कमाता है, देखिए वीडियो। मतलब सुबह से शाम तक चल जाएगी तो कितना हो, लगभग बेनिफिट आ जाता है, कुछ 800-900 आ जाता है आराम से। और इसका चार्जिंग वगैरह का क्या लगता है, मतलब चार्ज करने का? 110 रुपये फुल करके देता है वो, और खड़ी होने का मतलब 110 में ही है, 110 रुपये में खड़ी कर दीजिए और वो चार्ज करके सुबह दे देगा। मतलब आपका टेंशन चलाइए सुबह से शाम तक, शाम को खड़ी कर दिया आपका टेंशन ख़त्म हो गया, सुबह फिर उठाइए 110 उसको दीजिए, लेकर निकल लीजिए। ये काम बढ़िया है, ठीक है, लोगों का यहाँ ठीक है, कम से कम रोजी रोटी चल रही है आराम से सुबह शाम। किराया लगता है, इसमें अच्छा। मौजपुर जाएंगे? नहीं नहीं, मौजपुर नहीं जाएंगे, यानी सही है, दाल रोटी अपनी नौकरी है, 350 रुपये उसे देने पड़ते हैं। अच्छा, रिक्शे इसका, गाड़ी वाले का 350 रुपये उसको देना पड़ता है, 120 रुपये इसका, यानी हो गया आपका, चाचा हेलो, आपका हो गया कि 420 रुपये, 420 रुपये में 400-500 रुपये आराम से आपके बच जाते हैं, 800 भी हो जाते हैं, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, 1000 भी हो जाए। नहीं नहीं, बढ़िया है बढ़िया, हाँ काम के हिसाब से है, काम निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो फिर। चलिए भाई साहब, बहुत अच्छा लगा बात आपके से करके, कम से कम एक जानकारी तो दिया आपने। अच्छा भाई, इस पर एक बार चाहता आया, बाय बाय कर दीजिए। अच्छा भाई, तो भैया मेरे ये चलाते हैं रिक्शा और रोजी रोटी अपना चलाते हैं, भैया को देखिए, और भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी भी ऐसे मेहनत करिए, परिश्रम करिए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉक में। जय हिंद, जय भारत। एक प्लेट मोमोज कर देना भैया, गोभी वाला करना। एक प्लेट कितने का है? एक प्लेट मोमोज 40 रुपये का है। चलिए एक प्लेट कर दीजिए। पैक करना? हाँ पैक करना है। आप पैक करना है एक प्लेट ना? हाँ हाँ, एक प्लेट करना है। गोभी वाला है ना वो? गोभी वाला ही करिएगा। ये 40 में कितने पीस आते हैं भैया? 12 पीस में। अच्छा, 40 रुपये में 12 पीस। और हाफ कितने का है? 20 रुपये का। 20 में 6 पीस आते।
तो आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे लिए न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की बटन को प्रेस करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट के बाद माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हर शाम 7:30 बजे करता हूँ लाइव प्रमोशन, आप सभी लाइव में भी जुड़ें। फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।